गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राम राजे इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था गालजी बॉडी के बारे में, गालजी कॉम्प्लेक्स या गालजी गाय के बारे में। हमने वहां पे उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ उसका बेसिक कंपोजिशन देखा था। आज हम इसके फंक्शन पे बात करने वाले हैं और इसी के साथ आपका गालजी बॉडी का ये जो टॉपिक है वो आज खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, गालजी बॉडी का, गालजी काय का जो फंक्शन होता है उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ गालजी बॉडी, गालजी काय के कार्य। क्या कार्य हैं इसके, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो होता है वो है सेक्रीशन, मतलब स्राव करना किसी भी चीज का। तो पहला काम इसका है, इसका प्रमुख कार्य श्रावण है। का प्रमुख कार्य श्रावण है। इसकी संख्या श्रावी कोशिकाओं में जैसे अग्न्याशय कोशिकाएं श्लेष्मिक कोशिकाएं स्तन ग्रंथि एवं थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं में अधिक होती है। सेकेंड पॉइंट, गालजी काय के वेसिकल में वसा व प्रोटीन का संचय होता है। वसा व प्रोटीन का संचय होता है। तीसरा पॉइंट है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण करती है। या इसी को इंग्लिश में सेल प्लेट बोलते हैं, सेल प्लेट का निर्माण करती है। और चौथा है, शुक्र जनन के समय
शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी काय से होता है। पांचवा, इससे लाइसोसोम व पराक्सिसोम का निर्माण होता है। छठा, ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये गाल्जी काय के प्रमुख कार्य हैं, फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य है श्रावण। श्रावण का मतलब जैसे किसी चीज का स्राव होना। स्राव का मतलब जैसे सपोज दैट आपकी बॉडी पे कहीं कट जाता है तो फिर वहां से ब्लड रिसने लगता है, मतलब कि रक्त बाहर निकलने लगता है, जिसे हम रक्त स्राव कहते हैं। मतलब बाहर निकल रहा है तो वो स्रावित हो रहा है, ठीक है, रक्त स्रावित हो रहा है। तो वही चीज, इसका प्रमुख कार्य श्रावण है। मतलब ये ऐसी जगह पाए जाएंगे जहां से, जिन कोशिकाओं से कुछ ना कुछ स्रावित होता हो, कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकलता हो। जैसे देखो, इनकी संख्या स्रावी कोशिकाओं में जैसे अग्नाशय की कोशिकाएं। अब जो अग्नाशय की कोशिकाएं हैं, वहां से अग्नाशयिक रस निकलकर आपके भोजन में मिलता है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो अग्नाशय से मीन्स पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रीशन होता है, तो उस सेक्रीशन के लिए वहां पे ये गाल्जी बॉडी पाई जाती है। इसके साथ श्लेष्मिक कोशिकाएं, श्लेष्मिक मतलब म्यूकस, म्यूकस मतलब ऐसा पदार्थ जो चिकनाई प्रदान करता है, जो चिकना रहता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल आपको दूं, जैसे कभी आपके जुकाम, जुकाम तो होता ही है, नॉर्मली होता है, सबके होता है। तो जुकाम जब होता है तो नाक भी बहता है, तो नाक बहता है, देखो कितना चिकना होता है वो। तो वही चीज आपका ऐसे ही म्यूकस होता है, या उसी को हम म्यूकस भी कह सकते हैं। तो उसका भी जो सेक्रीशन होता है, उसके लिए गाल्जी बॉडी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। फिर स्तन ग्रंथियां, मतलब कि स्तन ग्रंथियों में भी ये पाए जाते हैं गाल्जी बॉडीज, क्योंकि स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होता है, मीन्स मिल्क सेक्रीशन होता है एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, एक नवजात शिशु के लिए। तो वहां पे भी ये गाल्जी बॉडी पाई जाती है। इसके साथ साथ थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं में, जहां से थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रीशन होता है। मतलब कुल मिला के कहने का यही है कि जहां जहां भी शरीर के जिस भी अंग से कोई ना कोई चीज स्रावित होता है, वहां पे आपका गाल्जी बॉडी उन कोशिकाओं में जरूर पाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, गाल्जी काय के वेसिकल्स में वसा व प्रोटीन होता है। तो वेसिकल्स में, ये वेसिकल्स है मतलब इसमें फैट प्लस प्रोटीन, ये दो चीजें पाई जाएंगी वेसिकल्स में, फैट और प्रोटीन पाए जाएंगे। अच्छा, अभी इससे पहले आपने पढ़ा फैट और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो 60 और 40 का होता है, मीन्स प्रोटीन और फैट का 60 और 40 का होता है। इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा था। तो उसी का ये संचय करते हैं, मतलब स्टोर करती हैं, किसका, फैट और प्रोटीन का। थर्ड पॉइंट है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण करती हैं। तो जब सेल डिवीजन होता है, आगे के चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे कोशिका विभाजन किस तरह से होता है। तो उस टाइम जब सेल डिवीजन होता है, जैसे सपोज दैट एक सिंगल सेल हो, ये दो सेल में डिवाइड हो रही है,
तो डिवाइड होने के बाद जब ये लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, तो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे बीचों बीच इसके एक पट्टी या खाच का पट्टी का निर्माण जब होता है, तो पट्टी का निर्माण कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से ये बीच में पट्टी का निर्माण हो जाता है। और जब ये पट्टी का निर्माण होता है तो ये होता है इसी के द्वारा, मतलब गाल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, गाल्जी बॉडी के द्वारा या गाल्जी काय के द्वारा। इसके बाद फिर ये सेल आपका ड्यूअल सेल में डिवाइड हो जाता है, तो उसी प्लेट की वजह से फिर धीरे धीरे वो अलग होने लगता है। आपका फोर्थ पॉइंट है शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी काय से होता है। शुक्र जनन मतलब जो शुक्र जनन मतलब शुक्राणुओं का जो जनन होता है उस टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे कहते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि एक्रोसोम मतलब कि जो शुक्राणु का सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसे हम एक्रोसोम बोलते हैं, और उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो होता है गाल्जी बॉडी से होता है, मतलब सेल की गाल्जी बॉडी से होता है। इसके बाद फिर आप देखोगे कि गाल्जी काय से ही लाइसोसोम और पराक्सीसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम आगे हम बताएंगे आपको। और छठा पॉइंट है ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हों, वर्ज्य हों, या जिनका आपके शरीर में कोई उपयोगिता नहीं है, उनको बाहर निकालना भी एक जरूरी प्रक्रिया होता है, और उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है आपका गाल्जी कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी ये फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडी कंप्लीट हुए। एक बार फिर हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रमुख कार्य श्रावण है। इसकी संख्या श्रावी कोशिकाओं में जैसे अग्नाशयी कोशिकाएं, श्लेष्मिक कोशिकाएं, स्तन ग्रंथियां एवं थायराइड ग्रंथियों में अधिक पाई जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है गाल्जी काय के वेसिकल्स में वसा एवं प्रोटीन का संचय होता है। थर्ड पॉइंट है कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका पट्टी का निर्माण करती हैं। फोर्थ पॉइंट है शुक्राणु जनन के समय ये शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है इसमें लाइसोसोम और पराक्सीसोम का निर्माण होता है। एंड सिक्स एंड लास्ट पॉइंट है ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ गाल्जी बॉडी का फंक्शन, और हम आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेल ऑर्गेनल्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नोट्स तैयार करते रहिए, साथ में होमवर्क भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।